एवरेज में सेक्स कितने समय तक चलता है, इसके बारे में आज बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स मैंने ऑनलाइन लीड किए, काफ़ी सारे लोगों का इंटरव्यू लिए और इंटरव्यू लिए क्वेश्चनर भर के लिए, और उसमें हमें यह मालूम पड़ा कि 80-90% लड़के लोग जिनकी उम्र 30 साल के नीचे है, उन्होंने ये बताया 80-90%, मतलब हमने 500 का एक सैंपल लिया, 80-90% लड़कों ने ये बोला कि उनका जल्दी गिर जाता है या उनकी पार्टनर जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती है, कि वो चाहती है कि और समय तक चला रहे सेक्स। और ये बहुत ही एस्टोनिशिंग फिगर्स थे, मतलब एकदम अचंभित करने वाले फिगर थे। कह रहे ऐसा 80-90% बोलते हैं लोग कि उनकी वाइफ सेटिस्फाइड नहीं है या खुद को अच्छा लगता नहीं है। तभी जब हमने उनका इंटरव्यू लिया, उनसे पूछा, तो मालूम पड़ा कि उनके दिमाग में वो पॉर्न वीडियोस का सब बिलीव बैठा हुआ है। पॉर्न वीडियो में बोलते हैं कि इतना लंबा होना चाहिए, कम से कम 7 इंच होना चाहिए, 8 इंच होना चाहिए, जो भी पॉर्न वीडियो बताते, और सेक्स आधा आधा एक एक घंटा चलना चाहिए, सेक्स करने के समय औरत ने चिल्लाना चाहिए, और सब ये पॉर्न वीडियोस के स्टैंडर्ड्स लोगों के दिमाग में है। तो फिर हमने उनको एजुकेट किया, बताया कि भैया 1 इंच से यदि कम है, छोटा है पेनिस की लंबाई, तो फिर वो प्रॉब्लम है, 1 इंच से बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, मतलब रिलैक्स कंडीशन में 1 इंच से छोटा नहीं होना चाहिए। तो फिर ऐसा पूछा, बोलते हाँ वैसा 1 इंच से छोटा नहीं है, बोला फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर क्या प्रॉब्लम है। नहीं, मगर मेरे को बड़ा करने का है। क्यों? क्योंकि उसने पिक्चर में देखा हुआ है, पॉर्न में देखा हुआ है। तो एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि कोई लोगों का रहता है 4-5 इंच, 6 इंच रहता है, कोई 7 इंच रहता है, तो फिर किसी की हाइट 6 फीट है, 6.5 फीट है, तो किसकी हाइट 4.5 फुट है, 4.5 फुट है, तो बीमार कौन है? कोई बीमार नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही सेक्स का टाइम जो है वो कितना होना चाहिए, उसके बारे में अलग अलग स्टडीज किया, और लोगों का स्टडीज करने के बाद उनका जो जवाब था वो था 2 मिनट से लेकर 30 मिनट तक। मतलब कुछ लोग 30 मिनट तक चले, कोई लोग 2 मिनट तक चले, फिर बीमार कौन है? बीमार कोई नहीं है। हमने वो स्टडीज में देखा कि एवरेज जो टाइम है सेक्स का वो मिला है लोगों का 5 मिनट 40 सेकंड, 5 मिनट 40 सेकंड, मतलब पेनिट्रेशन जब होता है, लिंग का योनि में प्रवेश होता है, उसके बाद में 5 मिनट 40 सेकंड तक डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। तो वो टाइम है कि उससे यदि कम होता है तो हम बोल सकते हैं कि एवरेज से कम है। मगर यदि हम डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल से जाते हैं, तो पहले डेफिनेशन थी कि 2 मिनट से पहले यदि गिर जाता है तो वो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है या वीर्यस्खलन है। अभी जो डेफिनेशन है वो ये है कि अभी 1 मिनट के पहले ही गिर जाता है, 1 मिनट से पहले ही गिर जाता है, तो फिर वो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है। अभी ये सब छोड़ दो आप, मेरा कहना यह है कि दोनों ने सेटिस्फाई होना जरूरी है। वो 20 मिनट भी चला और दोनों सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर उसका कोई काम है नहीं। तो दोनों का सेटिस्फैक्शन होना ये जरूरी है। और वो कैसा मालूम पड़ेगा? पूछ के पूछना पड़ेगा, कैसा लगता है उसका, पूछने के बाद में उसका क्या रिस्पॉन्स आता है, तो इससे मालूम पड़ता है कि वो खुश है। अदरवाइज वो खुश नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। अभी इसमें आप यदि टिकलिंग करते हैं, क्लाइटोरल स्टिमुलेशन करते हैं शुरू में, उसको पहले एक्साइट करते हैं, फिंगरिंग करते हैं, जी स्पॉट को स्टिमुलेशन करते हैं, वजाना में फिंगर डाल के उसको एक्साइट करते हैं, तो फिर खुशी के तरफ जाने में जल्दी सहायता होंगी, वो खुश हो जाएंगे। फिर ऐसा नहीं है कि नहीं वो 20 मिनट 25 मिनट तक चलना ही चाहिए, नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्साइटेड है। फिर आपने 4-5 मिनट भी किया, जैसा एवरेज है 5 मिनट 40 सेकंड, तभी भी चलता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो सेक्स कितना टाइम चलना चाहिए, टाइम छोड़ दो, घड़ी के ऊपर मत देखो, पूछो, आस्क, कितना टाइम चला तो कितना अच्छा लगा, इतना टाइम चला तो इतना अच्छा लगा, मतलब उतना चलना चाहिए। ये यदि करते हैं तो दोनों भी पार्टनर्स सेक्स में सेटिस्फाई हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।